हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार शर्मा एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। यदि आप काफी लंबे समय से देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के अंदर एफडी करने की सोच रहे थे तो आज आपके पास बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक ने इस महीने में दो बार अपनी एफडी की ब्याज दरों को बढ़ाया है। हम आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल के साथ बताएंगे कि आप अपने घर पर बैठे अपने मोबाइल फोन कंप्यूटर लैपटॉप से कुछ ही मिनटों के अंदर ऑनलाइन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई में एफडी कैसे करेंगे। एसबीआई की एफडी करते समय छोटे छोटे पॉइंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आपको एसबीआई की एफडी के साथ मिलने वाले सारे लाभ का फायदा नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं एसबीआई की ऑनलाइन फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी कैसे करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन कंप्यूटर लैपटॉप जिसमें भी इस प्रोसेस को कर रहे हैं उसमें क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए और गूगल के सर्च बॉक्स में एसबीआई टाइप कर सर्च करें। अब यहां ऊपर ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट का लिंक शो होगा, आप यहां पर दिए गए यूआरएल को एक बार ध्यान से जरूर चेक कर लें। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इस लिंक पर क्लिक कर इस वेबसाइट को ओपन करें। अब यहां पर्सनल बैंकिंग के नीचे लॉगिन पर क्लिक करें। अब इस पेज पर नीचे लॉगिन करने को लेकर और सिक्योरिटी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं, उन्हें एक बार आप जरूर पढ़ लें। इसके बाद यहां कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करें। अब आप ऑनलाइन एसबीआई के लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां आपसे एसबीआई का इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा। यदि अभी तक आपने एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन कर अपना यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट नहीं किया है तो आप ये वाला वीडियो देखकर एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग में अपने घर पर बैठे रजिस्ट्रेशन कर अपना यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये वीडियो आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा। अब यहां अपना एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग का ऊपर यूजर नेम की जगह पर यूजर नेम टाइप कर दीजिए और नीचे पासवर्ड टाइप कर दीजिए। उसके बाद यहां पर जो भी नीचे आपको कैप्चा लिखा हुआ दिखाई देता है उस कैप्चा को आप यहां कैप्चा वाले बॉक्स में टाइप कर नीचे लॉगिन पर क्लिक करें। अब आपके एसबीआई के बैंक के साथ में रजिस्टर मोबाइल नंबर के ऊपर एक 8 डिजिट का ओटीपी यानी कि वन टाइम पासवर्ड सेंड किया जाएगा। यदि ओटीपी आपको रिसीव नहीं होता है तो आप यहां क्लिक हियर टू रिसेंड द ओटीपी पर क्लिक कर दोबारा से ओटीपी मंगा सकते हैं। ओटीपी रिसीव होने के बाद यहां आप ओटीपी को टाइप कर नीचे सबमिट पर क्लिक करें। अब आप सक्सेसफुली एसबीआई की नेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाएंगे। अब यहां पर आप अपना अकाउंट नंबर, नेम, ब्रांच, अवेलेबल बैलेंस और ट्रांजैक्शन की डिटेल्स देख सकते हैं। और एफडी अकाउंट ओपन करने के लिए ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डिपॉजिट एट इन्वेस्टमेंट का, इसके नीचे फिक्स डिपॉजिट पर क्लिक करें। अब यहां सबसे ऊपर फर्स्ट नंबर पर ही आपको एक लिंक दिखाई देगा फिक्स डिपॉजिट ETDR ESTDR का, इस पर क्लिक करें। अब यहां आपके सामने एक सेक्शन खुलकर आ जाएगा, इसके अंदर चार ऑप्शन दिए गए हैं। आइए आपको वन बाय वन चार ऑप्शन के बारे में समझा देते हैं। यहां पर पहला ऑप्शन है फिक्स डिपॉजिट ETDR ESTDR, इसके सामने लिंक पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप शो होगा, इसके अंदर इसके बारे में सारी डिटेल्स दी गई है। यदि आप अपनी एफडी के अंदर लॉगिन पीरियड नहीं रखना चाहते तो आपको ये पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। दूसरा ऑप्शन है ETDR ESTDR अंडर इनकम टैक्स सेविंग स्कीम का, इसके सामने लिंक पर क्लिक करें। आपके सामने एक पॉपअप शो होगा, इसके अंदर इसके बारे में सारी डिटेल्स दी गई है। यदि आप ये दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर 5 साल का लॉक इन पीरियड है, परंतु इसमें टैक्स सेविंग बेनिफिट ये होता है कि इंटरेस्ट TDS काउंट नहीं होता है, यानी कि इंटरेस्ट TDS के अंदर नहीं आएगा। तीसरा ऑप्शन है ETDR ESTDR मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट का, इसके सामने लिंक पर क्लिक करिए। आपके सामने एक पॉपअप शो होगा जिसके अंदर इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी एफडी की जब मैच्योरिटी हो जाए तो उसमें से कुछ पैसा आप निकाल लें और बाकी पैसे को आप वापस ऑटो रिन्यू कर दें तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहां पर चौथा ऑप्शन है ETDR ESTDR इनकम टैक्स सेविंग स्कीम का, परंतु ये बाहर के लोगों के लिए है इसलिए आप इसे छोड़ दें। अब इनमें से आप जिस भी ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके सामने टिक लगाकर प्रोसीड पर क्लिक करें। ज्यादातर लोग फिक्स डिपॉजिट ETDR ESTDR का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, तो यदि आप भी नॉर्मल एफडी करना चाहते हैं तो आप पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ ऊपर आप अपना अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप और ब्रांच देख सकते हैं। यदि यहाँ पर आपने एक से ज्यादा बैंक ऐड किए हुए हैं तो जिस भी बैंक अकाउंट से आप फिक्स डिपॉजिट का पैसा कटवाना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर अमाउंट के सामने वाले बॉक्स में आपको अमाउंट टाइप करना है, यानी कि आप कितने की एफडी करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर 1 लाख रुपए की एफडी करने वाले हैं तो हम यहाँ पर 1 लाख रुपए टाइप कर देंगे। अब आप नीचे देख सकते हैं कि नीचे लिखा हुआ आ गया है ₹1 लाख ओनली। यदि आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो यहाँ सीनियर सिटीजन के सामने टिक लगा दीजिए, नहीं तो इसे आप अनटिक ही रहने दीजिए। अब नीचे यहाँ पर दिए गए हैं टर्म डिपॉजिट के ऑप्शंस। अब यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन है STDR का और TDR का, इसमें से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यदि आप पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपको नीचे यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, और यदि आप दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से एक ऑप्शन को हटा लिया जाता है, इसलिए आप पहले वाले ऑप्शन को
सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर आपको डिपॉजिट के लिए टेन्योर सिलेक्ट करना है, यानी कि आप कितने दिन की एफडी करना चाहते हैं। यदि आप कुछ दिनों के लिए फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप डेज के सामने टिक लगा दीजिए और यहाँ जितने दिन की एफडी करना चाहते हैं उतने दिन टाइप कर दीजिए। यदि आप साल या फिर महीनों के लिए फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ सेकंड वाले ऑप्शन के सामने टिक लगा दीजिए और यहाँ नीचे से आप जितने साल महीने और दिन की एफडी करने वाले हैं उतना साल महीना और दिन सिलेक्ट कर लीजिए। यदि आप मैच्योरिटी डेट अपने आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप थर्ड वाला ऑप्शन मैच्योरिटी डेट के सामने टिक लगा दीजिए। अब यहाँ से आप अपनी मैच्योरिटी के डेट, मंथ और ईयर सिलेक्ट करें। क्योंकि हम एक साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करने वाले हैं तो हम यहाँ पर ईयर्स, मंथ्स, डेज के सामने टिक लगाएंगे। अब हमसे यहाँ पर ईयर, मंथ और डेज सिलेक्ट करने को कहा जा रहा है तो हम यहाँ से एक साल की एफडी करने वाले हैं तो एक साल सिलेक्ट कर लेंगे। और यदि मंथ सिलेक्ट करना होगा तो हम यहाँ से मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और जितने दिन हमें एक्स्ट्रा सिलेक्ट करना है तो वो भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको मैच्योरिटी के लिए तीन ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से आपको ध्यान से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आइए आपको वन बाई वन तीनों के बारे में समझा देते हैं। यदि आप यहाँ से पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपकी एफडी की मैच्योरिटी पर आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों ऑटो रिन्यू हो जाएगा। यदि आप यहाँ से दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपकी एफडी की मैच्योरिटी पर आपका प्रिंसिपल अमाउंट तो ऑटो रिन्यू हो जाएगा परंतु उसका इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। और यदि आप यहाँ से तीसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपकी एफडी की मैच्योरिटी पर आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट और उसका इंटरेस्ट दोनों मिल जाएगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो अपनी 1,00,000 रुपए की एफडी एक साल की कर रहे हैं उसकी मैच्योरिटी पर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट और उसका इंटरेस्ट दोनों हमें हमारे अकाउंट के अंदर मिल जाए तो इसके लिए हम यहाँ से तीसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से आप इन तीनों में से जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पर आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन के सामने टिक लगाकर सबमिट पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको आपकी डिटेल्स को एक बार वेरीफाई करने को कहा जा रहा है तो आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पर भरी हैं उन्हें एक बार आप चेक कर वेरीफाई कर लीजिए। यहाँ पर आपने जितने दिन, महीने या फिर साल की एफडी करी है उसका जितना भी एसबीआई का अभी का इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक साल की एफडी करी है तो हमारा एक साल की एफडी का एसबीआई का अभी का इंटरेस्ट रेट है 6.75% और उसके नीचे लिखा है मैच्योरिटी अमाउंट, यानी कि एक साल के बाद जब हमारी एफडी मैच्योर होगी तो हमें कितना प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट मिलेगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। हमने 1,00,000 रुपए की एफडी करी है तो यहां पर हमें दिखा रहा है कि एक साल के बाद हमें 1,06,943 रुपए मिलेंगे और यही हमारा एफडी का मैच्योरिटी अमाउंट नीचे वर्ड्स में भी लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखी है हमारी एफडी की मैच्योरिटी की डेट 28/12/2023। एक बार यहां से सारी डिटेल्स अपनी चेक कर वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही आप नीचे कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो न्यू फिक्स डिपॉजिट की रिक्वेस्ट आपकी सेंड हो जाएगी। यहां पर आपकी रिक्वेस्ट की तारीख लिखी होगी और आगे टाइम भी लिखा होगा और उसके कुछ देर के बाद आपके एसबीआई अकाउंट के साथ में रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर के ऊपर इस तरह से एक मेल और एसएमएस आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर इस एसएमएस के अंदर और मेल के अंदर आप अपना टीडीआर और एसटीडीआर का अकाउंट नंबर देख सकते हैं। आपके ईमेल पर इस तरह से आपको दो मेल मिलेंगे। सेकंड वाले ईमेल के अंदर आपको आपके न्यू फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट नंबर देखने को मिलेगा और जिस अकाउंट से आपने फिक्स डिपॉजिट के लिए अमाउंट कटवाया है उसकी भी डिटेल्स आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। और यदि इस एफडी से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप इन टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कर संपर्क कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। बैंकिंग से रिलेटेड और ज्यादा बेहतरीन वीडियोस के लिए आप हमारी बैंकिंग की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल का आइकॉन है उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम इस चैनल पर अपना कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।